जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शराब पीने के विवाद से हुआ हमला, ट्रक की टक्कर से दो युवकों की हुई मौत, मीटर की जांच करने वाले से पहचान पत्र मांगे गए। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शराब पीने के विवाद से हुआ हमला, नागपुर में शराब पीने को लेकर हुए विवाद में अपराधियों ने साथी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। यह वारदात वाड़ी के सब्जी बाजार में हुई। जख्मी वृद्धानंतर विलास धाड़े, आरोपी सागर किशोर भलावी कंट्रोल वाड़ी तथा राहुल गणेश कड़कुरस्कर तकल के लेआउट के रहने वाले है। तीनों आपराधिक प्रवर्तक हैं। वे मंगलवार को वाड़ी में शराब पी रहे थे। शराब का सेवन करने के बाद बुधवार से दोनों को वहां से चलने को कहा। आरोपी और शराब पीने के लिए बोतल लेने गए। बुधवरस्त ने इनकार कर दिया गया। इन बातों को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। दोनों रोड के बीच बुधवरस्त को हमला कर दिया गया। इस बीच खींच कर पीटते हुए सब्जी बाजार ले गए। वहां भी उनके जमकर धुनाई, पिटाई में बुधरंत गंभीर जख्मी हो गया। उनको मेयो अस्पताल में उपचार चल रहा है। वाड़ी पुलिस ने हमले का मामला दर्ज कराकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। ट्रक की टक्कर से दो मृतकों की मौत, ट्रक दोपहिया को टक्कर मारने से दो युवकों की मौत हो गई, वह युवक घायल हो गया। यह दुर्घटना 23 अप्रैल मंगलवार को शाम 7 बजे तुमसर कटंगी अंतरराज्यीय महामार्ग पर काम चल रहे चिंचोली में हुई। क्रमांक गाड़ी क्रमांक GG80 और SS2291 तुमसर की ओर जा रही थी। तब की तुमसर की ओर से आ रहे दोपहिया वाहन चालक और दो युवक अपने गृह ग्राम जिला बालखाड़ा की ओर जा रहे थे। इन दोनों ने ट्रक से दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। तुमसर ग्राम चिंचोली में सड़क पर पड़ा दोपहिया वाहन, पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। इसी दौरान दोपहिया वाहन चालक मध्य प्रदेश जिला बालाघाट ग्राम टेकड़ी सुकड़ी निवासी विजय ध्रुव रे तथा तुषार उके की मौत मौके पर हो गई। चिखली निवासी समीर वुट्टी को घायल हो गया, उसका उपचार भंडारा जिले अस्पताल में चल रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मीटर की जांच करने वाले से पहचान पत्र मांगे गए। नागपुर में महावितरण के सुरक्षा एवं क्रिफायरेंस कार्यालय की ओर से बिजली मीटर की नियंत्रण जांच की जाती है। बहरहाल में महावितरण ने अपील की है कि ग्राहक यह अनुसूचित करने की जांच के लिए आने वाले महावितरण का ही कर्मी है, उसे पहचान पत्र दिखाने को कहते हैं। यह स्पष्ट होने पर ही कर्मचारी कंपनी का ही है, इसे जाँच में सहयोग देते हैं। कंपनी ने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो ग्राहक उप संचालक सुरक्षा क्रियान्वयन प्रभाग भवन गट्टी गोदाम सदर स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज।